चटोरों कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में देखा कि आप लच्छेदार रबड़ी कैसे आसानी से घर में बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब थी। वो वाली अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बनाएंगे कि सिंपल भिंडी की सब्जी कैसे बना सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में और कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ बन जाएगी। ये रेसिपी बहुत ही वायरल है। ये जैकी श्रॉफ की है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने ऑनलाइन वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमें ये भिंडी की सब्जी पसंद है। चलिए उसी प्रकार से बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ चीजें होना चाहिए। हमारे पास 250 ग्राम भिंडी है, कुछ हरी मिर्चें हैं और 2 प्याज है। भिंडी और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोना बहुत जरूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धो के अगर सब्जी बनाते हैं तो हमने भिंडी और हरी मिर्च को धो लिया है। धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लिया, फिर हम इस भिंडी को कट करेंगे। छोटे साइज में, गोल गोल साइज में इस प्रकार से हम सभी भिंडियों को कट कर लेंगे। फिर हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, फिर हरी मिर्च को हमने धो लिया। धोने के बाद इसकी जो ऊपर की जो डंडी है, डंडी को भी आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे। ये करीबन हमारे पास 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। आपको स्पाइसी अगर कम पसंद है तो मिर्चियां थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मुझे स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ी सी मिर्चियां ज्यादा रखी हैं। इस तरह से हम बारीक इसको कट करेंगे। आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से कट किया है। इस तरह से आसानी से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह प्रकार से हम कट कर लेंगे। फिर हमने जो हमारी प्याज है, प्याज को भी अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इस तरह से हम लच्छेदार प्याज को कट करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम सभी प्याज को अपने कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। फिर हम इंडक्शन ऑन करेंगे। इंडक्शन ऑन करने के बाद हमने उसमें फ्राई पैन रख दिया। फ्राई पैन रखने के बाद हम इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये हमारे पास ये करीबन 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद 1 स्पून हमारे पास ये जीरा है, जीरा को भी अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद जो हमने प्याज कट की थी वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम प्याज को डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए। इस तरह से हम प्याज को चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। हम प्याज को अच्छी तरह से भून चुके हैं। भूनने के बाद हमारे पास जो हमने हरी मिर्च जो काट के हमने रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको चलाते रहना जरूरी है, इसको नीचे से ज्यादा भूनना नहीं है, इसको हल्का सा नरम करना है। हमारी हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। फिर हमने जो भिंडी अपने काट के धो के रखी थी वो भी इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद हम जो हीट है, हीट को हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हीट को हम जो है उसको स्लो रखेंगे। फिर हम इसमें अपना स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, हमने अपने स्वाद अनुसार डाल दिया। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम करछी की मदद से चलाते रहेंगे ताकि ये भिंडी अच्छे से हमारी पक जाए। भिंडी को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम सिंपल से ट्रिक आजमाएंगे जो हलवाई रेस्टोरेंट वाले नहीं बताते हैं। हम इसको ढकेंगे नहीं। ढक के भी कभी भिंडी को मत पकाइए। आप इस तरह से खुला खुला पकाइए तो बहुत ही अच्छी और चटकारेदार बनेगी। 5 मिनट बाद देखिए भिंडी हमारी पक चुकी है अच्छी से। फिर 9 मिनट के लिए और भिंडी हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। ये भिंडी पूरी पराठा के साथ खाइए, खिलाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। मैं चला।